नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9S Pro vs iQOO Z9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9S Pro में 6.45 इंच जबकि Z9 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9S Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9S Pro में 2.95 इंच जबकि Z9 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z9S Pro में 0.29 इंच जबकि Z9 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z9S Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9S Pro में 185 ग्राम जबकि Z9 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9S Pro में 6.77 इंचेस जबकि Z9 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9S Pro में 1080x2392px FHD+ और Z9 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9S Pro में 90.12% जबकि Z9 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9S Pro में 388 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z9 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9S Pro में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Z9 5G की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9S Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Z9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें पांच डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9S Pro में Adreno 720 जबकि Z9 5G में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9S Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और Z9 5G में MediaTek Dimensity 7200 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9S Pro में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Z9 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9S Pro में नहीं है, जबकि Z9 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9S Pro में 5500 mAh जबकि Z9 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Z9S Pro में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,827 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो iQOO Z9S Pro में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO Z9 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Honor 200 5G है, तीसरा Moto G85 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।